हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम मैं वाई सर मीन्स फिजिक्स ये है हमारा चैनल डिस्कवर इन कोलाब्रेशन विद वाई सी एल टू गेट मोर वीडियोज़ प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड अपडेटेड रहे हिट द आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ न्यू वीडियोज़ थैंक यू आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक रहेगा है अपना ग्रेविटेशन फॉर इलेवंथ क्लास प्लस जेई प्लस नीट ठीक है तो टॉपिक है अपना ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको इस तरह से कैटेगराइज करेंगे आज के लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ न्यूटन्स लॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सेकेंड लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा आपसे एक्सेलरेशन टू ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ठीक है तो पहले अपन ये पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और इसमें अपन ले रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसको अपन बोलते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ का इसका मीनिंग सिर्फ यहाँ तक ही नहीं है कि एक एप्पल गिरा न्यूटन के सर पर और ग्रेविटेशन की डिस्कवरी होगी इसका हिस्ट्री बहुत है स्टार्टिंग में कोपरनिकस ने प्रयास किए फिर इसकी जस्ट अपोजिट थ्योरी गैलीलियो ने दी गैलीलियो के बाद टाइको ब्राम ने दी फिर इसने कैप्लस ने इसके ऑर्बिटल थ्योरीज को एम्पेरिकल थ्योरीज को बताया और इस तरह से इसका प्रोग्रेसिव यानी 200 हंड्रेड से ज्यादा इसमें समय लगा है ना आज अपन जो पढ़ रहे हैं वो रिजल्ट्स पढ़ रहे हैं उनकी जो हार्डवर्क का रिजल्ट था वो अपने को मिल रहा है तो आप लोग इसमें फर्स्ट यूनिवर्सल लॉ की जो बात आएगी वो क्या है देखो यूनिवर्सल लॉ इट मीन्स इन यूनिवर्स इन यूनिवर्स each particle each particle attracts attracts another particle another particle this is universal this is universal law of gravitation universal law of ग्रेविटेशन यूनिवर्स में प्रत्येक पार्टिकल ईच पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन जनरल प्रसप्शन बन जाता है कि नहीं अर्थ सबको अट्रैक्ट कर रही है नहीं इन यूनिवर्स एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट ऑन पार्टिकल और यहां पर जो इसका नेचर है एट्रैक्शन का ही है ग्रेविटेशन का जैसे इलेक्ट्रोस्टेट में हम एट्रैक्शन एंड रिपल्सन पढ़ते हैं यहां पे सिर्फ कैसा रहेगा ग्रेविटेशन का रहेगा अब यदि एट्रैक्शन बाय अर्थ ये जो वर्ड आता है एट्रैक्शन बाय अर्थ इज कॉल्ड इज कॉल्ड ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटी ग्रेविटेशन यूनिवर्स के लिए यूज होगा ग्रेविटी वर्ड जब यूज करेंगे तो हम सिर्फ किसके लिए यूज करेंगे अर्थ के लिए यूज करेंगे क्लियर और अब मैं लो पर आता हूं अकॉर्डिंग टू न्यूटन स्लो ऑफ ग्रेविटेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन स्लो ऑफ ग्रेविटेशन इस लो का स्टेटमेंट है ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स between between two particles two particles is directly proportional to is directly proportional to directly proportional to the product of product of their masses product of their masses and inversely proportional to inversely proportional to inversely proportional to the square of the distance the square of the distance ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्सनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासिस एंड इन्वर्सली प्रोपोसनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस दो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं सपोज टू पार्टिकल्स एम वन एंड एम टू डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स एज आर देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन स्लो एफ डायरेक्ट प्रोपोर्सनल टू एम वन एम टू एंड इनवर्सली प्रोपोर्सनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस और यहाँ पर हम कॉन्स्टेंट लेते हैं कैपिटल जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर तो ये अपने पास फॉर्मूला हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स यानी न्यूटन स्लो के लिए और हेयर जी इज ए कॉन्स्टेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल बिकॉज जी की जो वैल्यू रहेगी ये विल बी कांस्टेंट इन ईच मीडियम 6.67 पॉइंट सिक्स की पावर माइनस इलेवन जी इक्वल टू तो देखो एफ इंटू आर स्क्वायर तो यूनिट आ जाएगी एफ इंटू आर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू यानी किलोग्राम स्क्वायर है ना और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख लो न्यूटन न्यूटन का मतलब एम वन एल वन टी माइनस टू मीटर स्क्वायर एल टू और अपॉन किलोग्राम स्क्वायर इट मीन्स एम टू तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आया भाई इसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डजेंट डिपेंड सेप साइज एंड मीडियम किसी पर डिपेंड नहीं करता ये पूरे यूनिवर्स में समान रूप से लागू रहता है जो वैल्यू ऑफ जी थी वैल्यू ऑफ जी ये कहां से आई ये क्या है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है किसने दी थी ये हेनरी कैंडिस ने डिट determined by henry by henry cavendish henry cavendish by the help of by the help of torsion balance torsion balance experiment torsion balance experiment जो जी की वैल्यू ये कैसी है एक्सपेरिमेंटल है किसने फाइंड किया था हेनरी कैवेंडिस नाम के साइंटिस्ट ने फाइंड किया था और किस एक्सपेरिमेंट से टोर्सन बैलेंस इसने इस तरह से एक बैलेंस ली उस पर चार बॉडीज लटका के और एक्सपेरिमेंटल स्टडी की थी अपने को एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है और इसकी वैल्यू हमें मिल गई अब इसके मजे करो आप तो एक्सपेरिमेंट में तो ये कब गए लोग ठीक है अब नेक्स्ट अपन देखें कि जो फोर्स है एफ ये कैसा है इट इज ए वैक्टर इट इज ए वैक्टर तो वैक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको वैक्टर फॉर्म वैक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे भाई वैक्टर फॉर्म हम लेंगे एफ इक्वल टू वैक्टर एफ जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप आर कैप इज यूनिट वैक्टर आर कैप इज यूनिट वैक्टर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर कैप इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स अब कई बच्चे कहेंगे सर यहाँ कई बार वन टू वन टू लिखा है उन पर आए अभी तो ये वन टू या टू वन का क्या चक्कर है देखो वन टू और टू वन मैं आपको बताता हूँ क्या रहता है कि देखो हमें ये मिला एफ वन और आर डिस्टेंस पर कोई दूसरा पार्टिकल है एम टू यदि मैं बात करूँ क्या बात करूँ भाई देखो क्या लैंग्वेज ले रहे हैं फर्स्ट फर्स्ट लैंग्वेज ले रहा हूँ फोर्स ऑन एम वन डू टू पार्टिकल एम टू तो एम वन पर कितना फोर्स लगेगा एम वन को एम टू अपनी ओर एट्रैक्ट करेगा फोर्स किस पर लगा वन पर ड्यू टू एम टू ये हो गया वन टू डायरेक्शन किस किधर है फ्रॉम वन टू टू तो इसको लेंगे वन टू वैक्टर समझ में आई बात अब मैं बात इसका फॉर्मूला लिखूंगा तो मैं लिखूंगा एफ वन टू इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर इन टू आर लेकिन यहां पे लिख दूंगा वन टू क्लियर अब यही लैंग्वेज मुझे क्या मिल जाए ये लैंग्वेज मिले मुझे फोर्स ऑन एम टू टू एम वन आप समझ गए होंगे कि अपन जब बात करेंगे इस पर तो देखो M2 पर फोर्स कौन लगाएगा M1 लगाएगा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो ये फोर्स क्या है फोर्स ऑन M2 टू डू टू वन डायरेक्शन फ्रॉम टू वन ये डायरेक्शन होगी तो अब देखो मैं जब ये लिखूंगा F21 तो वापस अकॉर्डिंग टू न्यूटन स्लो जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर इन टू आर लेकिन अब ये कैसा हो गया टू वन डायरेक्शन कैसी है इसकी इसके अपोजिट है भाई इसके कैसी है अपोजिट है तो देखो यहाँ पर हमें एक चीज़ क्लियर होगी कि ये भी कैसा है इन नेचर कैसा है पेयर नेचर है जितना M1 पर M2 फोर्स लगाएगा उतना ही M1 भी M2 पर फोर्स लगाएगा और मैथमेटिकली भी यहाँ पे अपने को पता पड़ रहा है कि R1 वन एंड आर आर टू वन आर वन टू एंड आर टू वन आर यूनिट फ्रैक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शन इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है आर कैप इक्वल टू माइनस आर टू वन कैप इक्वल एंड अपोजिट है दस हम क्या लिख सकते हैं भाई एफ वन टू इक्वल टू माइनस एफ टू वन इट मीन्स यहाँ से क्लियर हो गया कि ग्रेविटेशन लो ओबे न्यूटन्स न्यूटन्स थर्ड लो एक्शन रिएक्शन लो ग्रेविटेशनल लो किसका ओबे करता है न्यूटन थर्ड लो एक्शन रिएक्शन फोर्स इक्वल और कैसे है अपोजिट ईच एक्शन है अपोजिट रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन ठीक है इक्वल एंड अपोजिट है तो ये हमें किसने दे दिया न्यूटन का फॉर्मुला निकाल लिया वेक्टर फॉर्म निकाल लिया ठीक है अब हम इसको कुछ और चीजें भी देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को मजबूत करने के लिए आप कुछ एक खास पॉइंट नोट कर लो जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे, वैसे आप कुछ खास पॉइंट्स यहां पे नोट कर लो खास पॉइंट स्पेशल पॉइंट्स नोट कर लो भाई स्पेशल पॉइंट्स क्या क्या है देखो नंबर एक नंबर एक स्पेशल पॉइंट नोट कर लो एक तो इट इज गिवन इट इज गिवन फॉर पॉइंट मासेस, पॉइंट मासेस। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज गिवन फॉर पॉइंट मासेस बट बट इट कैन बी अप्लाई इट कैन बी एप्लाई फॉर इट कैन बी अप्लाई फॉर सीमेट्रिकल सीमेट्रिकल स्फेरिकल बॉडीज सीमेट्रिकल स्फेरिकल बॉडीज देखो क्या कह रहे हैं इट इज गिवन फॉर पॉइंट मासेस यह है सिर्फ पॉइंट मास हम ये पॉइंट जो ले रहे हैं ये एम वन ले रहे हैं ये पॉइंट मास जो ले रहे हैं ये एम टू यानी जिनकी साइज नेगलिजिबल है तो इनके बीच की डिस्टेंस आर ले रहे हैं इसलिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स जब लिखते हैं तो हम लिख देते हैं जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर क्लियर लेकिन यही हमें यदि स्फेरिकल दे दिया जाए जिनके खुद के अपने रेडियस हैं जैसे r1 और r2 इनके रेडियस हैं भाई ये है, r1 और r2 तो हम इनका यदि सिमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो इनके ज्योमेट्रिकल सेंटर यानी सेंटर ऑफ मास को से डिस्टेंस लेंगे r और इसमें भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर अप्लाई कर सकते हैं एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर ठीक है M1, तो सिमेट्रिकल के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है बट यदि बॉडी इस तरह से हमें गिवन है देखो ये कोई एम वन है ये कोई एम टू है तो यहां हम अब आर ये लें आर ये लें है ना या फिर यहां से लें तो इट मीन्स आर यहां पे क्या है अननोन है तो यहां हम जी एम वन एम टू अपॉन कोई आर स्क्वायर लेते हैं तो ये एक्चुअल ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल नहीं आएगा कुछ एरर होगा क्योंकि न्यूटन ने जो दिया है लो वो किसके लिए दिया है ओनली फॉर पॉइंट मासेस के लिए दिया हुआ है तो ये तो क्वेश्चन है और स्फेरिकल के लिए भी लेकिन इस तरह की बॉडीज होंगी जो सिमेट्रिक नहीं है उनके लिए अप्लाई नहीं होगा क्लियर अब देखो इसके बाद सेकेंड पॉइंट पे आता हूं मैं इट इज इट इज ए सेंट्रल फोर्स इट इज ए सेंट्रल फोर्स इट इज ए सेंट्रल फोर्स पढ़ तो लेते हैं याद भी कर लेते हैं कि इट इज ए सेंट्रल फोर्स मीनिंग नहीं पता होता आज मैं इसकी फील दिलाऊंगा आपको इसके क्वेश्चन भी करेंगे अपन बाद में इट इज ए सेंट्रल फोर्स दैट इज दैट इज इट ओबे इनवर्स इनवर्स स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस लॉ ऑफ डिस्टेंस इट मीन्स ये इन्वर्स स्क्वायर लो का ऊबे करता है ऐसे सारे फोर्स जो वन अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल टू होते हैं वो सभी क्या है सेंट्रल फोर्स है चाहे ग्रेविटेशनल रहे चाहे इलेक्ट्रोसिटिक रहे चाहे मैग्नेटिक फोर्स रहे जो वन अपॉन आर स्क्वायर का ऊबे करते हैं वो कैसे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स है और डायरेक्शन इनकी जो होती है हमेशा डायरेक्शन ऑफ एफ डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज इज ऑलवेज अलॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग अलॉन्ग लाइन जॉइनिंग ऑफ द सेंटर्स ऑफ ऑफ द सेंटर्स ऑफ टू पार्टिकल्स सेंटर्स ऑफ टू पार्टिकल्स इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग रहेगी सेंट्रल फोर्स को जो इसके सेंटर्स को जो, जो जोड़ने वाली लाइन है उसके अलोंग रहेगी ठीक है और अभी अपन ने पढ़ी लिया कि ये जो है किसका ओबे करता है इट ओबे न्यूटन्स न्यूटन्स थर्ड लो एक्शन रिएक्शन लो का ओबे करता है फॉर एन पार्टिकल्स फॉर एन पार्टिकल्स वी कैन अप्लाई वी कैन अप्लाई सुपर पोजिशन लो ऑफ फोर्सेस सुपर पोजिशन लो ऑफ फोर्सेस सुपर पोजिशन लो ऑफ फोर्सेस सुपर पोजिशन लो क्या है कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स का एक सिस्टम है जिसमें कोई M1 है कोई M2 है कोई M3 है कोई Mn पार्टिकल है और यहाँ यदि हमें बात करनी है कि कोई M नोट पर नेट फोर्स तो हम ड्यू टू दिस वन ड्यू टू दिस वन ड्यू टू दिस वन इस तरह से नेट फोर्स जो रहेगा इस पर नेट फोर्स की बात करेंगे तो ये इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल रहेगा ये इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल रहेगा इसको बोलते हैं सुपर पोजिशन लो ऑफ फोर्सेस वेक्टर सम के इक्वल रहेगा तो हम क्योंकि न्यूटन स्लो टू पार्टिकल्स के लिए तो हम इंडिविजुअल फोर्सेस करेंगे और उनका क्या करेंगे वेक्टर सम और वेक्टर सम का मतलब एल्जेवरिक सम नहीं करेंगे जैसे अपने पास एफ वन एंड एफ टू फोर्सेज हैं और ये किसी एंगल थीटा पर लग रहा है जैसे ये कोई पार्टिकल है एम यहाँ इस पर कोई फोर्स लग रहा है एफ वन और यहाँ कोई फोर्स लग रहा है एफ टू एंगल है थीटा तो जो नेट फोर्स हम लेंगे तो नेट फोर्स जो इनका आएगा वो क्या रहेगा नेट फोर्स लेंगे हम अंडर रूट इसका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कोस थीटा इससे लेंगे भाई और कहीं पर इफ एफ वन इक्वल टू एफ टू इक्वल टू एफ तो इस केस में अपने को देखो ध्यान रखना कि नेट फोर्स की जब बात आएगी तो यदि हमें थीटा इक्वल टू नाइन्टी मिला है तो थीटा इक्वल टू नाइन्टी मिला तो देखो ये एफ और ये एफ तो आप यहाँ रखो देखो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर टू एफ एफ स्क्वायर कोस नाइन्टी तो जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा भाई रूट टू एफ यदि थीटा इक्वल टू हमें सिक्सटी मिला है थीटा इक्वल टू सिक्सटी तो यहाँ सिक्सटी रखना ओनी और यहाँ पर जो थीटा सिक्सटी रखेंगे अपने पास जैसे ये एफ है और ये एफ़ है और इनके बीच एंगल अपने पास सिक्सटी है तो इनका जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा रूट थ्री एफ बाई द वे थीटा इक्वल टू वन ट्वेंटी डिग्री दिया हुआ है वन ट्वेंटी डिग्री दिया हुआ है इस तरह से हमें ये एंगल कितना दिया हुआ है वन ट्वेंटी डिग्री ये फोर्स है तो इनका जो नेट फोर्स आएगा वो इक्वल टू एफ ही आएगा तो ये आप इसमें रख के नेट फोर्स फाइंड कर सकते हो देखो अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता देता हूं बढ़िया से कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन यहां पर जैसे इन जनरल अपने को पूछे देखो एक क्वेश्चन मैं आपको दू क्वेश्चन पूछा ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स इज proportional टू proportional टू ऑप्शन हमें मिले वन अपॉन आर वन अपॉन आर स्क्वायर वन अपॉन आर फोर आर स्क्वायर इस तरह से मिले हमें तो आप कौन सा आंसर दोगे सर निश्चित रूप से ये देंगे ऐसे रटा जाता है लेकिन क्वेश्चन का नेचर चेंज हो गया देखो यहां पे हमें क्वेश्चन पूछा फॉर गिवन पार्ट फॉर गिवन बॉडीज गिवन आइडेंटिकल बॉडीज हमें दो बॉडीज दी हुई आइडेंटिकल का मतलब इनका रेडियस जो है ये भी सेम है इनका रेडियस भी सेम है और इनका मास भी सेम है और ये एक दूसरे को टच करती हुई रखी हुई हैं ठीक है थीक? इन एक दूसरे को टच करती हुई रखी हुई हैं अब यहाँ हमें पूछता है यही क्वेश्चन कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू और फिर हमें इस तरह के आंसर दे देता है वही कि आर स्क्वायर सेकेंड ऑप्शन दे दिया वन अपॉन आर स्क्वायर थर्ड ऑप्शन दे दिया आर फोर और फोर्थ ऑप्शन दे दिया इसमें अपन ने कैपिटल आर लिया है ना एक मिनट तो मैं इसको कैपिटल आर ले लेता हूँ कैपिटल आर लिया हुआ है तो मैं कैपिटल आर ले लेता हूं कि हमें ऑप्शन क्या दे दिया भाई पहला ऑप्शन दे दिया फर्स्ट वन अपॉन आर स्क्वायर सेकेंड ऑप्शन दे दिया आर स्क्वायर थर्ड ऑप्शन दे दिया वन अपॉन आर फोर और फोर्थ ऑप्शन दे दिया मैं आर की पावर फोर अब कौन सा राइट है तो अब भी बच्चे जल्दबाजी में ये करते हैं कि सर ये आर ये आर और इट मीन्स एफ इक्वल टू हम करेंगे यदि आइडेंटिकल बॉडीज हैं तो जी m1 वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर इट मीन्स ए प्रोपोशनल टू वापस क्या आ गया आर स्क्वायर लेकिन ये क्या हो गया गलत हो गया यदि अपने को ये रेडियस गिवन है तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला तो आपने सही लिखा है कि g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर तो ये तो आपने सही लिखा है लेकिन जब रेडियस गिवन है तो मास को भी तो रेडियस में कन्वर्ट करो ना कैसे करोगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी तो देखो जी वॉल्यूम कितना है फोर अपॉन थ्री पाई आर क्यूब इंटू रो फिर एम टू फोर अपॉन थ्री पाई आर पाई आर क्यूब रो अपॉन फोर ये कितना हो गया आर स्क्वायर तो यहां से देखो एप प्रोपोर्शनल टू आर का पावर सिक्स अपॉन आर स्क्वायर इट मीन्स क्या बचा अपने पास आर का पावर फोर तो राइट आंसर कौन सा आया फोर्थ इज राइट आंसर तो इस तरह से आप जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में रट के आंसर नहीं देने हैं यहाँ ही है ठीक है और क्वेश्चन देते हैं अपने इस तरह के बहुत कुछ अच्छे क्वेश्चंस में आपको करा दूँ देखो हमें एक क्वेश्चन क्या मिला यहां एक ब्लॉक रखा हुआ है भाई ये ब्लॉक रखा हुआ है ठीक बोला यहां ये अपने को एक ब्लॉक रखा हुआ है एक ब्लॉक यह इसी प्लेन में यहां भी एक ब्लॉक रखा हुआ है ये टू ब्लॉक्स रखे हुए ठीक है अब इनके मासेज जो हमें दे रखे हैं यहां अपने को इसका मास दिया m और इसका मास दिया 2m। इसकी जो लेंथ हमें गिवन है ये लेंथ दे दी l और इसकी लेंथ गिवन जो हमें है ये दे दी 2l। दोनों ब्लॉक की इसकी एल है इसकी टू एल है ना? ये यहां पर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखे हुए हैं जो ये डिस्टेंस हमें गिवन है ये दिया एल बाई टू अब यहां पूछ रहे हैं हमसे ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इसमें दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फर्स्ट हमें पूछा जा सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स सेकेंड पूछा जा सकता है नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन ऑन बॉडी ए एंड बी एम एंड टू एन तो अब यहां भी जल्दबाजी में यदि आपने किया कि एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर तो फिर यह बात गलत हो जाएगी तो फिर कैसे करेंगे कि यहां आप ध्यान दोगे यहां एक और पॉइंट सामने आएगा कि यहां इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये आप नोट करोगे इसका सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा भाई यहां पे L बाई टू पर मिलेगा तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां ये भी L बाई टू पर मिलेगा तो इनकी जो सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है ये हमें क्या दी हुई है देखो ये जो लेंथ मिलेगी हमें यहां से ये मिली है L बाई टू क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है एल तो इसके सेंट्र ऑफ की हमें मिल गई एल क्लियर तो अब यहां बात जो अपन पढ़ रहे थे मैं कह रहा था फील दिलाऊंगा कि ये कैसा है सेंट्रल फोर्स है तो आप डायरेक्शन ये थोड़ी है इनके सेंट्रो ऑफ जो है यहां है सेंट्रो ऑफ तो या सेंट्रो ऑफ मास्तो तो इनकी जो डायरेक्शन रहेगी वो तो इसके अलोंग रहेगी यानी वो पार्टिकल इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है ये पार्टिकल अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है तो फोर्स यहाँ नहीं लग रहा है यहाँ लग रहा है तो हमें डिस्टेंस तो कौन सी चाहिएगी फिर ये डिस्टेंस हमें आर ये फाइंड करनी पड़ेगी आर कैसे फाइंड करेंगे देखो आर फाइंड कर लेते हैं ये लेंथ तो अपने कितनी मिल गई एल बाई टू मिल गई और देखो ये टोटल एल है तो ये भी कितनी मिल गई एल बाई टू तो आर इक्वल टू कितनी मिल गई भाई अपने को अंडर रूट एल बाई टू का स्क्वायर प्लस एल बाई टू का स्क्वायर और ये आ गई एल बाई रूट टू और फोर्स आ गया अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर का मतलब एल बाई रूट टू का स्क्वायर तो अब आप निकाल लोगे तो यहाँ ध्यान दिया कि हमें देखो लेंथ कौन सी ये नहीं लेनी थी ये लेंथ लेनी है बात करें अपन नॉर्मल रिएक्शन की देखो इन पार्टिकल्स पर नॉर्मल रिएक्शन की सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूं इसको क्लियर सा मैं इधर ले लेता हूं देखो ये अपने पास एक मिनट देखो ये एक ब्लॉक है अपने पास और यहां ये दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है नॉर्मल रिएक्शन हमें देखना है इनका तो देखो नॉर्मल रिएक्शन देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन देखो यहां पर ये सरफेस पर रखे हुए हैं ठीक है ये सरफेस होगी यह मैं बात करूंगा तो इनके सेंटर ऑफ मास मुझे पता है ये इनके सेंटर ऑफ मास है इसका सेंटर ऑफ मास ये है इसका तो कितना था एल बाई टू पर था और इसका एल पर था तो इन पर देखो जो फोर्स लग रहा है ये लग रहा है इस पर इस पर पर फोर्स फोर्स जो लग रहा है वो भी इधर लग रहा है ये स्थिति तो देखो एम में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं एम तो ये अपने पास ये लगेगा लेकिन नॉर्मल रिएक्शन तो प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा ये प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन लग गया तो अब यहां देखो अपने पास जो स्थिति है ओरिजोंटल के साथ ये एंगल कितना है थीटा तो ये एफ है तो देखो इधर कितना लगा एफ कोस थीटा और ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगा ये कितना लगा भाई एफ साइन थीटा तो यहाँ इस ब्लॉक पर तो देखो स्थिति क्या है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है ये नीचे की ओर तो आप समझ गएगे यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है अपने पास ये आ रहा है देखो एन प्लस एफ साइन थीटा लग रहा है ऊपर की ओर इक्वल टू एम जी लग रहा है नीचे की ओर और एन इक्वल टू हो गया एम जी माइनस एफ साइन थीटा तो नॉर्मल रिएक्शन इट मीन्स इस केस में एन लेस देन कैसा हो गया एम जी एन इक्वल टू एम जी नहीं लेना है इस केस में क्योंकि यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग गया है यदि ग्रेविटेशनल फोर्स को इफेक्टिव माना जाए तो ये स्थिति रहेगी और मैं इसकी बात करूँ तो देखो ये वापस ये एम जी तो इसका मास टू एम है तो हमने क्या ले लिया टू एम जी नॉर्मल रिएक्शन ये अपने पास एन हो गया तो इसका ओरिजोनटल देखो ये थीटा हो गया इधर इसका एफ कोस थीटा हो गया तो यहाँ इस डायरेक्शन में हो गया एफ साइन थीटा तो यहाँ पर देखो ये दोनों साथ हो गए तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन एन इक्वल टू टू, टू टू एम जी प्लस क्या हो रहा है एफ साइन थीटा तो यहाँ पता पड़ा कि एन ग्रेटर देन टू एम इसके वेट से कैसा है ज्यादा है तो इस तरह से हम इसका नॉर्मल रिएक्शन भी देख सकते हैं क्लियर तो ये आपको बहुत सावधानी से क्वेश्चन करने हैं एक और मैं आपसे एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछता हूँ देखो हमें क्वेश्चन मिला यहाँ पे क्या सपोज ये एम वन है जिसका वेट यहाँ पे हमें दिया हुआ है फाइव के जी यहां कोई दूसरा ब्लॉक है इसका वेट हमें दिया हुआ है टू के जी और ये प्लेस्ड एट इनफाइनाइट दोनों इनफाइनाइट पर रखे हुए हैं इनफाइनाइट पर रखे हुए हैं इट मीन्स वी वन इक्वल टू वी टू कैसे है रेस्ट पर है इनफाइनाइट पर v1 v2 वी टू रेस्ट पर रहेंगे तो ये क्वेश्चन है अब क्या करें इनफाइनाइट पर है अब सपोज ये दोनों क्या आ रहे हैं पास आ रहे हैं ये दोनों पास आ रहे हैं फाइव के वाला ब्लॉक पास आने पर ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर मीटर पर सेकेंड से पास आ रहा है और ये अपने पास टू के वाला ब्लॉक था इसका स्पीड का हमें पता नहीं है वी हमें फाइंड करनी है कि इसका स्पीड फोर मीटर पर सेकेंड है तो टू के मास का स्पीड क्या रहेगा तो आप यहाँ पे क्या कैसे निकालेंगे इनको ध्यान रखना है कि जब इनिशियली रेस्ट में है तो सेंटर ऑफ मास भी कैसा रहेगा इनका रेस्ट में रहेगा पहले भी रेस्ट में था अब भी रेस्ट में है बाद में भी यानी सेंटर ऑफ मास जब नेट फोर्सेज अपने पास जीरो रहेंगे क्योंकि इसका फोर्स जो इस पर लगेगा यहाँ पे जितना ये लगेगा उतना ही तो इंटरनल फोर्सेज तो जब नेट फोर्स जीरो रहेंगे तो सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी का भी क्या रहेगा जीरो रहेगा और यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है भाई एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू अपॉन एम वन प्लस एम टू ये अपन जीरो लेंगे तो फिर मेरे पास क्या आ गया एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इक्वल टू जीरो और मुझे वी टू फाइंड करना है तो देखो एम टू वी टू इक्वल टू माइनस एम वन वी वन और वी टू इक्वल टू क्या हो गया माइनस एम वन वी वन अपॉन एम टू एम वन हमें दिया हुआ था फाइव के जी वन हमें दिया हुआ था फोर और m2 मुझे दिया हुआ था टू के जी तो देखो v2 टू इक्वल टू मेरे पास आ गया माइनस टेन मीटर पर सेकेंड ये लाइट पार्टिकल है इसकी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में कैसा जा रहा है माइनस टेन मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलो एक देखो ये वी सी और क्लियर करता हूं मैं आपका कि मुझे ये पार्टिकल मिले भाई m1 और m2 नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एम वन को ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है और एम वन अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है ठीक है यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है एफ वन इक्वल टू माइनस एफ टू बी ऑप्शन दिया हुआ है नेट फोर्स ऑन सिस्टम इज जीरो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है ए वन इक्वल टू माइनस एट टू फोर्थ दिया हुआ है ए सी एम इक्वल टू जीरो फिफ्थ ऑप्शन दिया हुआ अपने हाँ चलो वन टू थ्री फोर फिफ्थ ऑप्शन दिया हुआ है मैं वी सी एम इक्वल टू जीरो सिक्स ऑप्शन दिया हुआ है वी सी एम इक्वल टू कॉन्सटेंट सेवन ऑप्शन दिया हुआ है वी वन इक्वल टू वी टू इक्वल टू जीरो फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है अपने पास से एट ऑप्शन दिया हुआ है चलो ये इनमें से अपन चेक कर लो तो ये जो दिए हुए हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन सारी चीजें लगभग इनमें क्लियर हो जाएंगी देखो क्या क्या दिया हुआ है भाई अपने को फर्स्ट ऑप्शन राइट है क्या देखो ये अभी अपन ने पढ़ा था कि जितना वन पर टू फोर्स लगाएगा उतना ही टू वन पर फोर्स लगाएगा ये किसका ओबे न्यूटन्स थर्ड लो अभी अपन ने प्रूव किया था अग्नि तो ये इक्वल और अपोजिट होते हैं तो दिस वन इज राइट जो अपने पास ये ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है फिर अपन बात करें नेट फोर्स तो देखो ये हमेशा इक्वल और अपोजिट रहेंगे इंटरनल फोर्सेज हैं तो नेट फोर्स क्या हो गया जीरो ये भी राइट है और अपन बात करें ए वन इक्वल टू और अपोजिट कि इनके मासज तो ए वन देखो क्या होगा ए वन रहेगा जो इस पर फोर्स लग रहा है F2 टू अपॉन एम ये रहेगा भाई a1 जो रहेगा अपने पास क्या रहेगा F2 टू अपॉन एम तो देखो F2 कितना रहेगा g m1 m2 टू अपॉन इनकी डिस्टेंस r स्क्वायर मान लें तो ये हुआ अपने पास m1 तो देखो ये m1 वन कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया अपने पास g m2 टू अपॉन आर स्क्वायर ए जो रहेगा तो देखो ये F1 वन अपॉन क्या रहेगा भाई एम टू ए टू की बात करूंगा तो यहां फोर्स कितना लग रहा है एफ वन एम टू तो फिर मेरे पास जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर इन टू एम टू तो देखो यहां पे क्या आया जी एम वन अपॉन आर स्क्वायर तो देखो दोनों पर एक्सल्रेशन कैसा है अलग अलग है अपोजिट डायरेक्शन में तो है लेकिन मैग्नीट्यूड भी कैसा है अलग अलग क्योंकि ए प्रोपोर्शनल टू कैसा होता है एम डिफरेंट है तो ये इक्वल नहीं हो सकता समझ गए होगे और ये इक्वल नहीं हो सकता फिर अपन बात करें ए सी एम की तो ए सी एम देखो क्या होता है ए सी एम अपन निकालें तो देखो एम ए सी एम ये अपन ने पढ़ा था ये किसके इक्वल होता है नेट फोर्स के इक्वल होता है और जब नेट फोर्स जीरो करेंगे तो देखो एम ए सी एम इक्वल टू तो अपने पास क्या आएगा जीरो और ए सी एम कैसा आएगा जीरो तो अपने पास थर्ड आंसर यानी सेंट्रोप मास का एक्सेलरेशन कैसा रहेगा जीरो वी जब ए एस जीरो रहेगा तो वी कैसा रहेगा वी सी कॉन्स्टेंट रहेगा मे भी जीरो अब भी जीरो बाद में भी जीरो हो सकता है जीरो भी यदि तीनों कंडीशन में रहे तो हम कॉन्स्टेंट लेकिन यहाँ पर ये मे भी ऐसा रहेगा कैसा कॉन्स्टेंट तो इसको हम सही नहीं ले सकते वी इक्वल टू कांस्टेंट ये बात सही है v1 वन इक्वल टू वी टू इक्वल टू जीरो अभी जब m1 और m2 के मासेस अलग हैं और ये फोर्स नेट फोर्स लग रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट आ गया तो जीरो कैसे हो सकता है इस तरह से आपको ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन समझ में आया होगा इसके बाद भी अपन बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं तो नेक्स्ट लेक्चर को देखना ना भूलिएगा थैंक यू सो मच आपका वाइसर मीन्स फिजिक्स थैंक यू हैव हैवी नाइस डे